इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की गुरुवार को अचानक तबियत खराब हो गई। आपको बता दें कि खराब तबियत के चलते उन्हें देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह रामनगर हल्द्वानी जाते हुए लच्छीवाड़ा टोल प्लाजा के पास अचानक उन्हें अपच और घबराहट की शिकायत हुई। इस दौरान हरीश रावत ने तुरंत अपने चालक को गाड़ी वापस मोड़ते हुए घर चलने के लिए कहा। वहीं घर जाने से पहले वे मैक्स अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह दी और भर्ती कर लिया। बताया जा रहा है कि अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है और देर शाम तक उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि पूर्व सीएम को अपच, उल्टी और सिरदर्द जैसे सीनेपन में भारीपन की समस्या के चलते भर्ती कराया गया था। अब उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार है। हालांकि इससे पहले भी उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने की खबरें सामने आई थी। ऐसे में एक बार फिर उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन समय रहते डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद अब वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं।